हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर होप चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो भी हमारे लैपटॉप में और पीसी में ड्राइवर्स जो होते हैं, कभी कभी वो मिस हो जाते हैं या फिर डिलीट हो जाते हैं, जिसके वजह से हमारा पीसी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। जैसे कि समटाइम साउंड का आवाज़ नहीं आएगा, या फिर वीडियो की क्लैरिटी नहीं दिखेगी, या फिर कभी कभी हमारा सिग्नल जो वाईफाई का सिग्नल रहेगा वो भी नहीं चलेगा, या फिर इंटेल का प्रोसेसर प्रॉपरली प्रोसेस नहीं कर पाएगा। तो वो सब ड्राइवर को हम फिर से इंस्टॉल करने के लिए मैं एक आप लोगों को सॉफ्टवेयर के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये प्रॉब्लम फेस कर चुका हूँ। तो इसके लिए मैंने ये सॉफ्टवेयर ढूंढ के निकाला और ये बेस्ट सॉफ्टवेयर है और फ्री भी है। तो मैं अभी आपको बताता हूँ इसको कहाँ से डाउनलोड करना है और कैसे इंस्टॉल करना है। ओके, तो चलो चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पे। क्रोम ब्राउज़र पे आते ही आप यहाँ पे सर्च कीजिए ड्राइव पैक सॉल्यूशन। देखो नीचे आ चुका है, यहाँ पे हम जाएंगे, ये फर्स्ट वाले लिंक पे ही हम जाएंगे और यहाँ से देखिए इंस्टॉल ऑल रिक्वायर्ड ड्राइवर्स, इस पर क्लिक कर दीजिए, डाउनलोड हो जाएगा। देखिए हमारा फाइल डाउनलोड हो चुका है, चलो इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पे स्मार्ट स्क्रीन का जो प्रॉब्लम दिखा रहा है आप इसको स्किप कीजिए। देखिए हमारा ड्राइवर पैक इंस्टॉल हो चुका है, फिनिश कर देते हैं। जैसे देखिए ये हमारा सभी जो सॉफ्टवेयर है वो सजेस्ट कर रहा है कि अपडेट ऑल ड्राइवर एंड एक्सेलेरेट योर कंप्यूटर। ओके, स्टार्ट इंस्टॉलिंग। ये थोड़ा सा टाइम लेता है लेकिन ये कंप्लीट हो जाएगा। ये कंप्लीट होने के बाद आपका जो भी मिसिंग ड्राइवर रहेगा वो इंस्टॉल हो जाएगा। गाइज मेक श्योर आपका इंटरनेट एक्सेस ऑन होना चाहिए, क्योंकि ये डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं। देखिए अभी हमारा डाउनलोड हो चुका है और अभी इंस्टॉलिंग चालू हो गया है। गाइज इसका इंटरफेस काफ़ी अच्छा है, इसमें जैसे जैसे प्रोसेस होता जाएगा वैसे ही वॉइस के थ्रू हमको बताते जाएंगे कि क्या क्या कंप्लीट कर दिया है, जैसे कि हमारा कौन कौन सा ड्राइवर इंस्टॉल कर दिया है। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम देख लेते हैं कि इनके वेबसाइट पे क्या क्या दिया है। इतने लोगों ने डाउनलोड कर लिया है, देखिए ये ऑथर का नाम है। कुछ अलग ही लैंग्वेज में है और देखिए ये ड्राइवर किस किस को सूटेबल है यहाँ पे दिया हुआ है और कौन कौन से ड्राइवर्स यहाँ पे हैं वो भी अवेलेबल है। और ये कुछ पार्ट्स भी आई थिंक मैन्युफैक्चर करते हैं, मॉडल बेचते हैं यहाँ से प्रोडक्ट। इंस्टॉलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, चलो इसको रिसेट करते हैं। गाइस सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, हमारा सारे ड्राइवर इंस्टॉल हो चुके हैं। एक चीज़ का ध्यान देना, यहाँ पे कुछ अनवांटेड ऐप भी इसके साथ ही इंस्टॉल होते हैं, जैसे एक ओपेरा है, दूसरा एक फायरफॉक्स है जो कि मैंने अनइंस्टॉल किया। अभी दो एप्लीकेशन एक्स्ट्रा इंस्टॉल होते हैं तो आप उसको कंट्रोल पैनल से यहाँ पे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। गाइज मुझे यकीन है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब नाउ and press the bell icon.